दोस्तों, कई बार भिन्न भिन्न कारणों से हमें अपने कंप्यूटर में कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और फिर उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ रवीश और अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इसके लिए हम नोटपैड में जाके होस्ट फाइल को एडिट करते हैं और वहाँ पर उन वेबसाइट्स के नाम लिख देते हैं जिन जिन वेबसाइट्स को हमें ब्लॉक करना होता है। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, यह रही स्टार्ट बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ हमें नोटपैड दिख रहा है। नोटपैड पर राइट क्लिक करते हैं। नोटपैड पर राइट क्लिक करने के बाद हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिखता है। हमें नोटपैड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही रन करवाना होगा। हम इस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करते हैं और अब देखिए यूज़र अकाउंट कंट्रोल की विंडो ओपन होकर आ रही है। हम इस पर भी यस प्रेस कर देते हैं और अब हमारे सामने नोटपैड ओपन हो चुका है। इसमें होस्ट फाइल ओपन करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद हमें ओपन पर क्लिक करना होगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद हम अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव पर डबल क्लिक करते हैं। सी ड्राइव पर डबल क्लिक करने के बाद हमें उसके अंदर विंडोज़ नाम का फोल्डर सर्च करना होगा और उस पर डबल क्लिक करना होगा। विंडोज़ फोल्डर के अंदर आने पर हमें अब System32 नाम का फोल्डर सर्च करके उस पर डबल क्लिक करना होगा। ये रहा System32, हमने इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ड्राइवर्स नाम का फोल्डर ढूंढकर उस पर डबल क्लिक करना होगा। हम ड्राइवर्स नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ ETC नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है। हम ETC वाले फोल्डर पर भी डबल क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम नीचे ये जो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स करके लिखा हुआ है इस लिस्ट बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं और इसके नीचे ऑल फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। हम ऑल फाइल्स पर क्लिक कर देते हैं और अब देखते हैं हमें कई सारी फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें हमें हमें सबसे ऊपर होस्ट नाम की फाइल दिखाई देती है। हम इस फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और अब ये होस्ट फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। हमें इसी फाइल में एडिट करना होगा और उन सारी वेबसाइट्स का नाम लिखना होगा जिन जिन वेबसाइट्स को हम ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इससे पहले हम चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हम उन वेबसाइट्स को जिन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं हमारे सिस्टम में ओपन हो रही हैं या नहीं। हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और इसमें देखिए हम अगर facebook.com को फॉर एग्जांपल ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसे ओपन करते हैं। हमने facebook.com टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए हमारे कंप्यूटर में facebook.com ओपन हो रहा है। अब हम इसे ब्लॉक करके देखेंगे। हम होस्ट फाइल पर आते हैं। यहाँ पर हम ये जो हमें IP एड्रेस दिखाई दे रहा है 127.0.0.1, इस IP एड्रेस को हम कॉपी करेंगे और यहाँ सबसे नीचे पेस्ट कर देंगे। अब हमें करना ये होगा कि ये जो वन सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है हम इसकी जगह उसका अगला सीरियल नंबर 2 लिख देंगे और उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे जिसे हमें ब्लॉक करना है। तो हमें facebook.com को ब्लॉक करना है। हम टाइप करते हैं www.facebook.com। कई बार हम अगर www नहीं भी लगाते हैं तो वह वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी ब्लॉक होती है, इसलिए हम यहाँ पर www. करके वेबसाइट का नाम लिखते हैं। या फिर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम एक बार सिर्फ facebook.com लिखें और अगली बार इस IP एड्रेस के साथ अगला सीरियल नंबर यहाँ पर लगाते हुए www.facebook.com करके भी लिख दें। तो हमें दो बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही www.facebook.com लिखा हुआ है। और अब इसे हम फाइल को सेव करेंगे। इसके लिए हम सेव बटन पर फाइल में क्लिक करके आ जाते हैं और या और इस पर ओके कर देते हैं। हम इसे कंट्रोल यस प्रेस करके भी डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अभी हमारी होस्ट फाइल सेव हो चुकी है और हमारे कंप्यूटर में facebook.com ब्लॉक हो चुका है। चलिए हम ओपन करके देखते हैं क्या facebook.com अभी भी हमारे कंप्यूटर में ओपन हो रहा है या नहीं। ये रहा हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र, इसमें हम facebook.com को ओपन करते हैं। हमने facebook.com टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि facebook.com हमारे कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रही है या ब्लॉक हो चुकी है। चलिए अब हम एक दूसरी वेबसाइट
को ब्लॉक करके भी देख लेते हैं। हम याहू डॉट कॉम को इस बार ले लेते हैं। हम याहू डॉट कॉम टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जा रही है। अब इसे भी हम ब्लॉक करते हैं। होस्ट फाइल में आते हैं और ये जो आईपी एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है 127.0.0.2, हम जस्ट इसका अगला सीरियल नंबर लिखेंगे उसी आईपी एड्रेस में और 2 की जगह इस बार 3 लिख देंगे और उसके बाद www.yahoo.com लिख देंगे या किसी भी उस वेबसाइट का नाम जिसे भी हम ब्लॉक करना चाहते हैं। तो yahoo.com हमने लिख दिया, फिर से हम इसे सेव कर देंगे। होस्ट फाइल में हमने इसे सेव कर दिया और हम फिर से अपने ब्राउज़र पर आकर चेक करते हैं कि क्या yahoo.com हमारे कंप्यूटर में ओपन हो रही है या नहीं। देखिए yahoo.com हमने टाइप कर दिया है और एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब देखिए दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि yahoo.com भी हमारे सिस्टम में ब्लॉक हो चुकी है और अब यह ओपन नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम किसी वेबसाइट को कितनी आसानी से अपने कंप्यूटर में ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम इसे फिर से अनब्लॉक करके भी देख लेते हैं। तो अनब्लॉक करने के लिए हमें बस सिंपल होस्ट फाइल में उस वेबसाइट को आईपी एड्रेस सहित रिमूव करके सेव कर देना होगा। तो सपोज करिए हमें अब पहले facebook.com को अनब्लॉक करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं पूरे आईपी एड्रेस के साथ जो हमने दिया है 127.0.0.2 और उसका नाम www.facebook.com, पूरा ये लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, डिलीट प्रेस कर देते हैं और फिर से होस्ट फाइल को सेव कर देते हैं। फिर हम ब्राउज़र में आके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने facebook.com टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए हमने इसे अनब्लॉक कर दिया था तो facebook.com ओपन होने लगी हमारे कंप्यूटर में, लेकिन yahoo.com अभी भी हमारे देखिए होस्ट फाइल में मौजूद है और ये अभी भी ओपन नहीं होगी। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं क्या ओपन हो रही या नहीं। yahoo.com हमने टाइप किया ब्राउज़र में और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि यह अभी भी ओपन नहीं हो रही है। चलिए हम इसे भी अनब्लॉक कर देते हैं। हम इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर yahoo.com लिखा हुआ है, इसे फिर से डिलीट कर देते हैं और फिर उस फाइल को सेव कर देते हैं और फिर हम अपने ब्राउज़र में आ करके yahoo.com जो हमें दिख रहा है yahoo.com टाइप करके फिर से हम एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए yahoo.com भी हमारे ब्राउज़र में ओपन हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए हम होस्ट फाइल में जा कर के एडिट करते हैं और फिर उसे सेव कर देते हैं। तो यह बहुत ही काम का वीडियो था। आशा है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।